हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी स्टडी। आज आपके सामने जो मैं वीडियो लिख रहा हूँ वो है पीएचडी एडमिशन एट पीआरएल, मतलब फिजिकल सर्च लेबॉर्ट्री, जो कि अहमदाबाद में है और ये इसरो की लेबॉर्ट्री है। अभी जो पीएचडी है एडमिशन है, ये आपका जुलाई इनटेक है, मींस आपका वो जैसे आईआईटी में 2 बार एडमिशन होती है ना, दिसंबर में और जुलाई में, और जो पीआरएल क्या है एक ही बार लेती है वो भी जुलाई में, ठीक है। उसकी जो क्या है फॉर्म निकल चुका है, उसके आपको मैं एक्चुअल डेट है, ऑनलाइन अप्लाइंग स्टार्टिंग डेट और एंड डेट बताऊंगा। इसमें आपका जो पीएचडी है, ठीक है, इसमें आप कुछ फील्ड है जो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। सबसे फर्स्ट क्या है आपका एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, तो इसके लिए आपका क्या है, कौन से कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी मतलब मास्टरी हो फिजिक्स में, एस्ट्रोफिजिक्स में, ठीक है, अप्लाइड फिजिक्स, स्पेस साइंस, मींस आप कोई भी अगर इसमें आपने मास्टरी की है और आपका नेशनल लेवल का कोई एग्ज़ाम क्लियर है, गेट, नेट, जेस्ट, वो भी आपको मैं बताऊंगा नेक्स्ट पार्ट में, तो उसके लिए आप क्या है अप्लाई कर सकते हो। इसमें नीचे आपका क्या है की रिसर्च एरिया भी दिए है, ठीक है। जैसे आपने कोई एमएससी, आपने इसमें कोई भी प्रोजेक्ट किया है जहाँ आपका इंटरेस्ट हो तो आप देख सकते हो जहाँ पर, ठीक है, जैसे इंस्ट्रूमेंटेशन, स्टेलर एस्ट्रोफिजिक्स एंड एक्सपो प्लैनेट रिसर्च, ठीक है, एक्सरे पर भी है, ठीक है, क्योंकि मैंने भी वहाँ पर इंटरव्यू दिया था। आपको टीए भी मिलता है और फॉर्म की क्या है फीस भी इनको ही होती है, ठीक है, आप देख सकते हो इसमें आपका जब फॉर्म अप्लाई करते हो वहाँ पर आपको प्रॉपर वो इंफॉर्मेशन देते हैं। उसके आगे आप देख सकते हैं सोलर फिजिक्स, जिसकी मुझे लगता है आजकल बहुत डिमांड है। इसके लिए अगर सोलर फिजिक्स में आपका इंटरेस्ट है, आगे आपने काम करना है, तो आपको क्या है फिजिक्स में, अप्लाइड फिजिक्स में, स्पेस साइंस में, एस्ट्रो फिजिक्स में, मींस पीआर में आप कह सकते हैं कि फिजिक्स का ज़्यादा स्कोप है। केमिस्ट्री का भी आगे, केमिस्ट्री के बेस पर भी आएंगे, ठीक है। इसमें जो कि रिसर्च एरिया है आप देख सकते हैं, ठीक है, सेस्मिक कपलिंग हो गया आपका, स्मॉल स्केल ट्रांसटेयर इन सोलर एटमोसफेयर, मीन्स आप फील्ड देख सकते हो। उसके आपका आगे क्या आ गया, स्पेस है एटमोसफेरिक साइंस, इसमें भी आपका क्या है, आपका क्या होना चाहिए, कैंडिडेट फ्रॉम फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, स्पेस साइंस, एटमॉस्फेरिक साइंस, ठीक है, क्लाइमेट चेंज स्टडीज़, जैसे आपका कोई भी किया हो आप उसके लिए मतलब मास्टरी में वो अप्लाई कर सकते हो। इसमें आपका क्या है मेन जो आपका कह सकते हैं की रिसर्च एरिया आपको देख सकते हैं, ठीक है, एमिशन एटमॉस्फेरिक प्रोसेस ऑफ वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मींस आपका अगर आपने को चाहता है कि मैं इस फील्ड में काम करना चाहता हूँ, तो आपका पहले से ही उन्होंने क्या है कि की रिसर्च एरिया दिया है, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ वहाँ पर वो मेरा फील्ड है और वहाँ पर मैं काम कर सकता हूँ अच्छे से। और आगे क्या है एटॉमिक मॉलिक्यूलर एंड ऑप्टिकल फिजिक्स, ठीक है, इसमें आप देख सकते हो जहाँ पर आप केमिस्ट्री वाले अप्लाई कर सकते हो, एमएससी केमिस्ट्री, ऊपर जो दिया था ऊपर में मोस्टली क्या है फिजिक्स, जियो फिजिक्स, ठीक है, जैसे आपको मैंने बताया था। इसके लिए आपका क्या है कैंडिडेट आप लिख सकते हैं फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, जियो साइंस, सारा आपके दिया है। इसमें जो की रिसर्च एरिया है आप देख सकते हो जहाँ पर, ठीक है, लेबॉरटरी एस्ट्रो केमिस्ट्री, एस्ट्रोबायोलॉजी, प्रोविंग अल्ट्रा फास्ट डायनामिक, क्वांटम ऑप्टिक्स जो आपका आजकल चल रहा है बहुत, उसके बाद आपका क्या जियो साइंस से रिलेटेड, उसके इसमें क्या आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, जियो फिजिक्स, मीन्स केमिस्ट्री के भी बच्चे जो हैं अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपका क्या जैसे जियो का है तो मोस्टली आपका जियो से रिलेटेड टॉपिक होंगे, मेंटल जियो केमिस्ट्री हो गया, स्टडी ऑफ अर्ली अर्थ, ठीक है, सारा आपका है, पेलो क्लाइमेट, मानसून वेरिएबिलिटी, यूजिंग मराइन, ठीक है, आपका सारा ही आ गया इसमें। उसके बाद आपका क्या है प्लैनेटरी साइंस, इसमें भी आपका क्या है फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियो केमिस्ट्री, ठीक है, सारे आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें जो की रिसर्च एरिया आप देख सकते हैं ये सारा ही है आप, ठीक है, मतलब ये की रिसर्च एरिया देने का मतलब ये होता है कि बच्चे को आइडिया हो जाए कि अगर वो प्लैनेटरी साइंस के अंडर ज्वाइन कर रहा है, मतलब उसका इंटरेस्ट है, उसने ऑप्शन में प्लैनेटरी साइंस दिया है, तो वो क्या हो गया मतलब उसका कौन कौन से फील्ड में वो काम कर सकता है, जहाँ काम करना है उसने, ये आपको आइडिया हो जाता है पहले से, ठीक है। अभी आगे क्या है देख सकते हैं, कोई और फील्ड है थ्रेटिकल फिजिक्स, अगर किसका थ्रेटिकल फिजिक्स में अच्छा लगता है, उसको काम करना अच्छा है, वो भी आप देख सकते हैं।
इसमें आपका क्या है सारा, आपको एक बता दूं मैं बात पीआर में, जैसे मैंने इंटरव्यू देने गया था अहमदाबाद में, तो वहाँ पर क्या है ऑलमोस्ट ऑल फैसिलिटीज़ हैं एक्सपेरिमेंट की। ठीक है, मेरा फ्रेंड है एक, जैसे मैं पंजाब का हूँ तो उसने ज्वाइन किया था, वो सिलेक्ट हो गया था, तो उसने बताया कि सारी फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पर, सुपर कंप्यूटर भी है। तो मैंने जैसे वीडियो भी बनाई है पीआरएल की जब इंटरव्यू देने गया था, तो आपका मैं वो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं थ्रेटिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ एनोमलस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसपोर्ट, और लास्ट में आपका क्या एलिजिबिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, एलिजिबिलिटी एलिजिबिलिटी को देखते हैं, तो एलिजिबिलिटी में आप देख सकते हैं कि आपका क्या है 60% मार्क्स आई है आपको इन बैचलर और मास्टर लेवल्स। ठीक है, उसके बाद आपका क्या है, अगर आपने अप्लाई करना है तो आपका जो सिलेक्शन होता है वो आपके कोई भी JRF, मतलब आपका क्लियर किया है आप UGC नेट या CSI नेट है। ठीक है, केमिकल्स किस किस में, फिजिकल साइंस, केमिकल साइंस, डिपेंड करता है आप ऊपर आपने एस्ट्रो फिजिक्स है, जियो साइंस है, ऑप्टिक्स है, थ्रेटिकल फिजिक्स है। ठीक है, आपका वो भी आपका इंटरेस्ट डिपेंड करता है, इसमें अर्थ साइंस, अर्थ एटमोसफेयर, ओशन, प्लैनेट सारे आ जाते हैं। इसके लिए आपको क्या है, जहाँ गेट होना चाहिए आपका गेट 2018, 2019, 2020, और आपका क्या है JRF होना चाहिए। पर जहाँ पर आप देख सकते हैं कि LS भी गिवन है आपको, अगर LS है तो मुझे श्योर नहीं हूँ मैं कि आपका LS पर आपको फेलोशिप मिलेगी कि नहीं, पर अप्लाई कर सकते हो जो मेंशन किया जहाँ पर। और आपका जो बेनिफिट है, जे पीआर जेस्ट भी लेती हैं, अगर किसका जेस्ट अच्छा स्कोर है वो अप्लाई करें, इसकी कोई फीस नहीं है, आपको TA भी मिल जाता है मोस्टली, मुझे हमें तो मिला था, आने जाने का जो आपका खर्चा होता है वो भी आपको मिल जाता है। ठीक है, ये थी लास्ट में आपको क्या है एप्लीकेशन डेट मेन सबसे। ठीक है, इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है वो अभी स्टार्ट हुआ है 31 मार्च को, और इसकी लास्ट डेट क्या है आप देख सकते हैं यहाँ पर 30 अप्रैल। ठीक है, इस मंथ की लास्ट डेट है। जो आपका इंटरव्यू होगा वो क्या होगा, मोस्टली जून में होता है, 4, 5, 8, 9 इसमें किसी दिन भी हो सकता है आपका। ठीक है, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन खुल चुकी है, आप अप्लाई करें, बेस्ट विशेज है आपकी कि आप पहले सिलेक्शन हो आपकी। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपके फ्रेंड के साथ शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें, अगर आपको आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करें। थैंक यू।